डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.13 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। आज 3 इकाई सदिश, देखिए इकाई सदिश का मापांक 1 होता है। 3 इकाई सदिश ए बी सी परस्पर लंब है। 3 इकाई सदिश परस्पर लंब है, इसका अर्थ यह हुआ कि इन तीनों सदिशों का मापांक 1 है, यानी कि ए का मापांक बराबर भी 1, बी का मापांक बराबर भी 1 और सी का मापांक बराबर भी 1 होगा। ठीक है, फिर ये तीनों ही सदिश जो दिए गए हैं परस्पर लंब है, इसने कहा है क्वेश्चन में कि ये परस्पर लंब है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0 और सी डॉट ए बराबर भी 0। जो दो सदिश, जब भी दो सदिश परस्पर लंब होंगे तो उनकी अदिश गुणा यानी कि डॉट गुणा 0 होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें a प्लस बी प्लस सी के मापांक का मान ज्ञात करना है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि a प्लस बी प्लस सी का मापांक, यानी कि जब भी हम मापांक वाले क्वेश्चन सोल्व करने होंगे तो हम उसका स्क्वायर लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लेकर चलेंगे। ये क्यों? क्योंकि a का मापांक का स्क्वायर बराबर होता है a डॉट a, a डॉट a। ठीक है, तो यहां से हम a के मापांक का स्क्वायर लेके चलेंगे और उसको a डॉट a टाइप से लिखेंगे। तो इसको हम दो बार लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी के मापांक का स्क्वायर तो देखिए बेटा, पिछले वीडियो में थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी कि ये इसके मापांक का स्क्वायर था 5, तो यहाँ से a माइनस बी का जो मापांक आएगा वो रूट 5 आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू आई थी a माइनस बी का मापांक का स्क्वायर बराबर 5, तो a माइनस बी का जो मापांक आएगा वो आएगा रूट 5 स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, ए डॉट ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी फिर ए डॉट सी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, ए प्लस बी प्लस सी सदिश ए बी और सी के मापांक का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, ये होएगा ए के मापांक का स्क्वायर। देखिए ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0, सी डॉट ए इक्वल टू बी 0, तो यहां से ये भी 0, ये भी 0, अदर में सभी 0 रहेंगे। तो ये एक तो ये बचेगा, एक ये और एक ये, बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ए डॉट ए यानी कि ए के मापांक का स्क्वायर प्लस बी डॉट बी, बी के मापांक का स्क्वायर प्लस सी डॉट सी, सी के मापांक का स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी के मापांक का स्क्वायर बराबर सदिश ए का मापांक 1 है क्योंकि ये इकाई सदिश है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस यहां भी 1 प्लस 1, यानी कि सदिश a प्लस बी प्लस सी के मापांक का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 और सदिश a प्लस बी प्लस सी का मापांक ऊपर से इधर कर देंगे इसका वर्गमूल 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 समझाया था आपको, सेम क्वेश्चन है आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अदिश गुणन की सहायता से सदिशों 2i माइनस 6j प्लस माइनस 3k तथा 4i प्लस 3j माइनस k पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए हमें अदिश गुणन की सहायता से लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। देखिए इकाई सदिश जो होगा उसका मापांक 1 के बराबर होगा। ठीक है, मान लिया, माना
लंब 21 दिस। माना लंब 21 दिस ए है, कितना है ए, तो 21 दिस है तो इसके ऊपर कैप लगेगा, परंतु हम इसको एरो भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सदिश है। तो लंब 21 दिस ए है और ए इक्वल टू हमने मान लिया ये है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यहां एल एम एन इसकी दिक को जय है, ठीक है, समीकरण एक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि ये जो सदिश लंब सदिश है, क्योंकि ये दिए गए सदिशों पर लंब है, लंब काट दीजिए फिलहाल, मानस 21 दिस ए बराबर इतना है, ठीक है। अब दिए जो गए जो सदिश है वो है 2i-6j-3k तथा 4i+3j-k पर लंब है, तो प्रश्न अनुसार जब ये लंब सदिश भी है, लंब का सदिश है, तो इनकी डॉट गुणा क्या होगी, जीरो होगी, इसलिए सदिश ए कैप डॉट जो पहला सदिश दिया गया है 2i-6j-3k कैप इक्वल टू जीरो, और ए सदिश ए की वैल्यू है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप डॉट 2i-6j-3k इक्वल टू जीरो। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन आएगा 12-6m-3n इक्वल टू जीरो, इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार जो सदिश ए है वो दूसरे सदिश पर भी लंब है, इसलिए सदिश 21 दिस ए डॉट और दूसरा सदिश है 4i+3j-k कैप बराबर भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये दोनों भी परस्पर लंब है और ये दोनों भी परस्पर लंब थे, ठीक है। जिस सदिश ए कैप जो है 21 दिस ये दोनों सदिशों पर लंब है, जब लंब है तो इनकी डॉट गुणा क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। ए की वैल्यू एल एन प्लस एम जे प्लस एन के यहां पुट करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जिसे ऊपर आया था तो यहां से भी ये आएगा 4i यानी कि 4l हो जाएगा प्लस 3m-n और इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए बेटा समीकरण दो और समीकरण तीन से जो हमने अभी समीकरण यहां पे बनाई थी, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे और वो भी वर्गीकरण विधि से। वर्गीकरण विधि आपने कक्षा 10 में पढ़ी है, वज्रगुणन विधि से देखिए एल अपॉन माइनस एम अपॉन और एन अपॉन, देखिए जब एल का अपॉन लिखेंगे तो एल को कैंसिल कर लेंगे और बाकी जो यहां पे ये पद बचे हुए हैं इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, तो देखिए 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 3 9 ये माइनस के 9 आ रहा है और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर एम तो एम को छोड़ देंगे, एम का पार्ट छोड़ देंगे यहाँ से, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस के 2 और माइनस 4 3 12 ये माइनस के बैठ रहा है और माइनस यहाँ है तो हो जाएगा प्लस के 12, ठीक है। फिर एन अपॉन तो एन को छोड़ देंगे यहाँ से और बाकी में क्रॉस गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 6 चौक 24 और माइनस के बैठ रहे हैं और माइनस यहाँ पे है 6 चौक 24 प्लस के हो जाएगा, तो सोल्व कर लेंगे एल अपॉन 15 इक्वल टू माइनस के एम अपॉन 14 ये माइनस प्लस के 10 आएगा, ये सोल्व करके, ठीक है, और इक्वल टू एन अपॉन 30 और इन सब को हमने क्या मान लिया, एन के इक्वल मान लिया, इक्वल टू के मान, इक्वल टू कितना मान लिया, के मान लिया, तो ये अगर हम इसको के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा एल इक्वल टू 15 के।
एम इक्वल टू माइनस टेन के और एन इक्वल टू 30 के। यह आ गई एलएमएन की वैल्यू। अब चूंकि सदिश इकाई सदिश ए कैप का मापांक इक्वल टू 1 होगा, इसलिए एल का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मापांक और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। दोनों का स्क्वायर करेंगे वर्ग करने पर यहां से वर्गमूल हट जाएगा, उसका 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और एल की वैल्यू है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर प्लस माइनस 10 के का होल स्क्वायर प्लस 30 के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 15 के का स्क्वायर ये हो जाएगा 225 के का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 30 हो जाएगा 900 के स्क्वायर इक्वल टू 1। इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 1225 के स्क्वायर इक्वल टू 1 और के स्क्वायर इक्वल टू 1/1225 और के इक्वल टू वर्ग कर दें इसका वर्गमूल, तो 1/1225 और 1225 का वर्गमूल 3×12 यानी कि आएगा 35 का वर्गमूल, ठीक है, तो 1/35। और अब जो यहां से के की वैल्यू आई है उस समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण चार से एल बराबर 15 के और के का मान है 1/35, तो ये आएगा 5×15 535 यानी कि 3/7। एम बराबर यह है माइनस के 10 के, के की वैल्यू 1/35, 5×10 535 माइनस के 2/7 और एन इक्वल टू ये है 30 के, 30×1/35 इक्वल टू सोल्व करके आएगा 6/7। ये एलिमेंट की वैल्यू आ गई। अब एलिमेंट की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, ये जो सदिश हमने माना था यहाँ पे, तो माना सदिश इकाई सदिश ए बराबर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के है, यहाँ आपको ये वैल्यू रखनी है, तो ये सदिश जो इकाई सदिश जिसको हमें ज्ञात करना था इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए देते हैं, इसलिए अभिष्ट सदिश अभिष्ट इकाई सदिश हो जाएगा ए बराबर 3/7i माइनस 2/7j और प्लस के 6/7k कैप, ये इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बेटा आप जो है फोन करके भी पूछ सकते हैं।